एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप क्रिएटिंग विद रिशिता। तो आज हम बनाने वाले हैं आदियोगी शिव जी की कैनवस पेंटिंग। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रफ स्केच के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे जो भी बनाना है मैं उसकी सबसे पहले एक रफ स्केचिंग कर लूँगी, ताकि मेरे लिए पेंटिंग में काफ़ी ईजी हो जाए। तो अब मैं एक रेगुलर पेंसिल का यूज़ करके अपनी स्केचिंग को कंप्लीट करूँगी। और आपको शिवजी की पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले नीचे ऑलमोस्ट 8 to 10 cm की जगह छोड़नी है, उसके बाद आपको शिवजी बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि नीचे हम लोग स्टेयर्स बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें स्पेस छोड़ना होगा। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ पेंटिंग करने का, जिसमें आप लाइट एंड शेडोज़ यूज़ करके बहुत आराम से पेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में आगे का प्रोसेस पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमारी स्केचिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। बस हमें फेस के कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं और नीचे स्टेयर्स बनानी होंगी। वैसे आपने जो ओरिजिनल स्टैचू है वो देखी ही होगी, उसकी पिक्चर्स। तो हम जो सीनरी और आसपास का बैकग्राउंड है वो सब सेम बनाने वाले हैं। नीचे से भी हम सेम बनाएंगे और पीछे का बैकग्राउंड भी हम काफ़ी कोशिश करेंगे कि हम रियल स्टैचू जैसा बना पाएँ। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्केचिंग कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस इमेज का रेफरेंस लेके बनाई है ये। तो ये इमेज है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें पहले थोड़ा सा रास्ता दिखाया है। मेरे पे इतना स्पेस तो नहीं था, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा रास्ता भी दिखाऊँ। और उसके बाद मैंने ब्राउन कलर से स्टेयर्स दिख रही हैं, तो मैंने वो स्टेयर्स बनाई हैं। एंड जस्ट उसके ऊपर एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैंने वो भी बनाया है। एंड उसके पीछे मैंने अपने आदियोगी शिव जी की स्केचिंग करी है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस टाइप से बनाई है स्केचिंग। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग। तो चलिए अब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक ग्रे कलर का बेस ले रहे हैं। हम इस ग्रे कलर को पूरे शिव जी के स्टैचू पे हम अप्लाई कर देंगे, पूरा ग्रे कलर। और जहाँ जहाँ पे आपको आउटलाइंस दिख रही हैं वहाँ पे जगह छोड़नी है, वरना हमें रेफरेंस ही नहीं मिल पाएगा जब ग्रे कलर हो जाएगा ऊपर, कि हमें कहाँ आँख बनानी है, कहाँ नाक। तो उसके लिए आप थोड़ी सी वाइट लाइन छोड़ दें और उसके बाद ग्रे कलर देना स्टार्ट करें। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रे कलर क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो रियल स्टैचू है वो तो ब्लैक कलर की है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ब्लैक कलर बेस पे अप्लाई कर देते तो उसके बाद हमारे लिए लाइट एंड शेडो देना काफ़ी मुश्किल हो जाता। एज अ बिगनर तो काफ़ी मुश्किल आती है हम लोगों को लाइट एंड शेडो देने में, तो इसलिए हमने थोड़ा लाइट टोन यूज़ करा है। उसके बाद हम डार्क कलर से शेडोज़ दिखाएंगे, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ईजी होगा पेंटिंग को बनाना। और आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, बस अब मैं फेस का पार्ट और बचा है मेरा, तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे शिव जी को ग्रे कलर से कर दिया है बेस उनका। तो चलिए अब हम शैडोज़ की तरफ चलते हैं। तो अब जितने भी हमने वाइट एरियाज़ छोड़े हैं, मतलब आउटलाइनिंग वाले शिव जी के स्टैचू में, अब उन सभी एरियाज़ में हम पहले ब्लैक कलर की एक आउटलाइन करेंगे और फिर एक ड्राई ब्रश की हेल्प से हम दोनों कलर्स को आपस में मर्ज कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है, आप देख सकते हैं बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेडो आ चुकी है। तो इसी तरीके का यूज़ करके हम पूरी पेंटिंग में शेडो दिखाएंगे। और जब शैडो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ब्लैक कलर से आउटलाइन कर देंगे, ताकि हमारी पेंटिंग में फिनिशिंग दिखाई दे। तो सेम प्रोसेस का यूज़ करके अब मैं सबसे पहले बालों को
और शिव जी के स्नेक को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए अब मैं स्नेक के ऊपर फोकस करूँगी। तो सेम हमें वाइट एरियाज में पहले ब्लैक आउटलाइन करनी है और फिर एक ड्राई ब्रश की हेल्प से ग्रे और ब्लैक कलर को आपस में मर्ज कर देना है एंड देन फिर अगेन आउटलाइन करनी है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा टाइम देके और थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पर स्नेक अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फोकस करूँगी शिव जी के नेक के लाइट एंड शेडोज़ पे। तो मैं सबसे पहले पूरे या नेक के आउटलाइनिंग में ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगी और फिर उसे नीचे मर्ज कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस से कितनी अच्छी शेडो बनी है हमारी नेक पे। और अब सेम प्रोसेस का यूज़ करके हम बाकी की शेडोज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर आपको आदि योगी के क्ले स्टैचू की वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब मैं फोकस करती हूँ शिव जी की चेस्ट पे। तो उस चेस्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे चेस्ट की शेप में ब्लैक आउटलाइन करी है एंड देन उसे मर्ज कर दिया है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने नीचे ये इतने ज़्यादा मतलब डिटेलिंग में क्यों बनाया, मैं डायरेक्ट स्टैचू भी तो बना सकती थी। तो उसके पीछे एक रीज़न है, डायरेक्ट स्टैचू बनाएंगे तो वो अलग लगेगी, लेकिन अब हमने छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखे एक एक चीज़ बनाई है तो काफ़ी रियलिस्टिक लुक देगी हमारी स्टैचू को, हमारी पेंटिंग को इस। तो जब हम इस पेंटिंग को कंप्लीट करके वॉल पर लगाएंगे तो एक अलग ही लुक लगेगा, देखने में बहुत ही एकदम रियलिस्टिक फील आएगा इसको देखने में। तो अब बॉडी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं फोकस कर रही हूँ शिव जी के फेस पे। तो और अभी आपको हेयर्स की आउटलाइन थोड़ी मैसी दिख रही होगी तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हम एंड में पूरी अपनी पेंटिंग की ब्लैक आउटलाइन करेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा उससे। अभी देखने में काफ़ी ऐसा घिचपिच सी दिख रही है आउटलाइन, तो वो हम बाद में ठीक कर देंगे। तो जब भी आदि योगी शिव जी की पेंटिंग बनाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं हमें फेस की शेडोज़, आईज़, नोज़ और लिप्स की शेडोज़, बट इस प्रोसेस को यूज़ करके बहुत ही इजीली बन जाती हैं, बहुत मज़ा आता है बनाने में। तो अब जो हमारा मेन एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट डन है, बस लिप्स बचे हैं, वो भी बन जाएंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद अब हम फोकस करेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स पे और अपने बैकग्राउंड पे, क्योंकि बैकग्राउंड से ही पेंटिंग में जाना है। कि तो यहाँ पर शिव जी जो है वो मैंने कंप्लीट पेंट कर लिए हैं और शिव जी के इयररिंग्स में मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पे। अब मैं बना रही हूँ नीचे का रास्ता, तो उसके लिए जो हमने शिव जी के बेस पे ग्रे कलर यूज़ किया था उसी में हमें थोड़ा सा वाइट और ऐड करेंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी लाइटर टोन के साथ हम पेंट करेंगे। तो इस कलर का यूज़ करके अब मैं रास्ते को पेंट कर देती हूँ और उसके बाद जो बीच में हमारी स्ट्राइप्स दिख रही होंगी आपको वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर ग्रे कलर का काम तो सारा कम्प्लीट हो गया, अब बस ब्लैक कलर से इन स्ट्राइप्स को भी हम पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब शिव जी के गले में जो माला है उस पर मैं ब्राउन कलर यूज करूंगी और ब्राउन कलर का यूज करके ही मैं उसको पेंट कर देती हूँ। और उसके बाद हम पेंट करेंगे नीचे जो टेंपल लाइक स्ट्रक्चर है वो, और उसे पेंट करने के लिए मैं सेम माला के ब्राउन कलर में हल्का सा रेड ऐड कर दूंगी और उसके बाद हमें ये कलर मिलेगा, इससे हम अपने टेंपल को पेंट कर लेंगे।
तो यहाँ टेम्पल के इस एरिया को हम इस कलर से पेंट करेंगे और ऊपर वाले एरिया में हम सेम कलर में थोड़ा सा वाइट ऐड करेंगे और उसके बाद उसे ऊपर अप्लाई कर देंगे। और अब बस टेम्पल की टिप पे हल्का सा येलो कलर, और अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोकस करेंगे अपनी स्टेयर्स पे। स्टेयर्स में बिल्कुल भी उसमें शेडो वगैरह बहुत डिटेल स्टेयर नहीं बनाऊंगी, हम बेस में स्किन कलर अप्लाई कर देंगे पहले अच्छे से, और उसके बाद हम बस उसमें लाइंस बना देंगे। तो यहाँ उन लाइंस को मैं ब्राउन कलर्स की हेल्प से बना रही हूँ। ब्राउन कलर की हेल्प से हम सिंपली सीधी सीधी लाइंस बना देंगे, बिल्कुल भी शेडो यूज़ नहीं करने वाली मैं इसमें। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके के मैंने स्टेयर्स बनाई हैं और हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमें पीछे का बैकग्राउंड बनाना है जिसमें हम स्काई ब्लू कलर करेंगे और थोड़े से क्लाउड्स दिखाएंगे। तो चलिए अब बैकग्राउंड बनाने के बाद आपको मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कितना अच्छा लुक आया है पेंटिंग का। मतलब पीछे से ही देखिए एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग लग रही है हमारी देखने में। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जान डालती है चीज़ वो है हमारी पेंटिंग का बैकग्राउंड, प्लस जो हमने आगे एडिशनल एलिमेंट्स बनाए हैं थोड़े से वो। तो देखा छोटी छोटी डिटेलिंग से पेंटिंग कितनी अच्छी बनती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।